भारत के रिच आर्ट ट्रेडिशन में पेंटिंग्स स्पेशल हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पेंटिंग्स अमर बेल की तरह फैली हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे चितारा पेंटिंग के बारे में, जिसे हसा चित्र भी कहते हैं, जो बेसिकली कर्नाटक के शिमोग डिस्ट्रिक्ट की दीवारू ट्राइब की लेडीज़ करती हैं, और वो भी फर्श और दीवारों पर। ये भी और पेंटिंग्स की तरह ही नेचुरल कलर से की जाती है। शादी और दूसरे फेस्टिवल्स पर स्पेशल मोटिव्स भी बनाए जाते हैं, और धीरे धीरे ये फ्लोर और वॉल से हैंडमेड पेपर पर आ गई। हैंडमेड पेपर पर पहले मिट्टी का लेप लगाते हैं, फिर नेचुरल कलर लाल पत्थर, कुछ बीजों से, चावल से सफ़ेद रंग, और चावल को जलाकर काला रंग बनाया जाता है, और इन कलर्स की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसमें गोंद मिलाया जाता है। इसमें जैसे कि पिक्चर्स की हम बात करें तो वो धार्मिक देवी देवता, रथ यात्रा, तुलसी का पौधा, चौक, आरती के चित्र बनाए जाते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ करते किस ब्रश से। ये देखिए, ये नेचुरल फाइबर को ब्रश की तरह यूज़ करते हैं और इससे बड़ी काम करते हैं, इसीलिए चावल के आटे के गोल से ही ये डिज़ाइन बनाते हैं। तो हसा चित्र का मतलब होता है, हसा मीन्स ओकेजन और चित्र मीन्स एन आर्ट। तो अलग अलग ओकेजन्स पे अलग अलग चित्र बनाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें चौक और आरती वाले पेंटिंग्स भी बनाई जाती है, और इन पेंटिंग्स में दिया रखने के लिए स्पेस होते हैं। समटाइम्स तो इसमें 70+ दिए रखने के स्पेस भी के साथ ह्यूज चौक बनाए जाते हैं। फसल तैयार होने के बाद गोबर और मिट्टी से फूस की टोकरियाँ बनाते हैं ये इस तरह से, और जिन्हें गोबर और मिट्टी से लेप लगाया जाता है उन फूस की टोकरियों में, और फिर चावल के गोल से चित्र पेंटिंग की जाती है। इस तरह की टोकरियों को बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। तो देखिए ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के साथ कितनी सुंदर पेंटिंग्स निकल के आई हैं। तो शादी के टाइम पे जो दूल्हा दुल्हन ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं और जो आरती करते हैं, वो सब इस पेंटिंग्स में, मतलब एक जो विलेज लाइफ है उसको कितने प्यार से दिखाया जाता है, बहुत सिंपलिसिटी के साथ, बहुत प्यारा सा। तो इस तरह से चितारा पेंटिंग बहुत ही बेसिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के साथ, लाइंस और इंट्रिकेट डिज़ाइन के साथ, देखने में इतने सिंपल दिखते हैं पर बहुत इंट्रिकेट पैटर्न्स है, जिससे ये बहुत ही उभर के आते हैं बारीक लाइंस के साथ। इतना प्यारा काम, एक छोटी सी गलती और सारा डिज़ाइन खराब। देखिए कितने ट्रेंड आर्टिस्ट ये काम करते होंगे। इसके बारे में बोल नहीं सकते कि ये कितना पुराना है, ये भी 2-3 हज़ार साल पुराना। इसके लिए कहते हैं कि इसमें ऑलमोस्ट 97 पैटर्न्स होते हैं, जिनके नाम होते हैं एली, नीली, नीली कोचू, बसेंगा, नीली गोम्बू, सालू और कलर्स, अलग अलग नाम होते हैं। ऑलमोस्ट 97 पैटर्न्स हैं जिनमें से काफ़ी हम जानते भी। थैंक यू।